नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर के बिछिया थाने से चंद कदम की दूरी पर संचालित दुकान में चोरों ने धावा बोल दिया। घटना बीती रात एसएफ चौराहे पर संचालित यूसुफ बूट हाउस नाम की दुकान पर हुई। चोर छत काटकर पीछे के रास्ते दुकान के अंदर दाखिल हुए और काउंटर में नकदी सहित हजारों का सामान पार कर दिया। चोरी की इस घटना में खास बात यह है कि चोर मौके पर ही घटना में प्रयुक्त सामान छोड़कर फरार हो गए। इतना ही नहीं, चोर अपने पहने हुए पुराने जूतों को छोड़कर नया जूता पहनकर फरार हो गए। घटना की जानकारी दुकान संचालक को आज सुबह दुकान खोलने के बाद हुई, जिसकी सूचना स्थानीय बिछिया थाना पुलिस को दी गई। हालांकि चोरों के संबंध में अब तक पुलिस के हाथ कोई जानकारी नहीं लगी है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक शहर के बिछिया थाना से महज 10 कदम की दूरी पर स्थित एसएफ चौराहे पर संचालित यूसुफ बूट हाउस नाम की दुकान में कल रात अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। दुकान संचालक रेहान खान की माने तो चोर उनकी दुकान के छत पर लगी टीन को काट कर अंदर दाखिल हुए और काउंटर पर रखे तकरीबन 2500 से 3000 की नकदी समेत 20 से 30 हजार कीमती जूता और चप्पल चोरी कर ले गए हैं। घटना की जानकारी आज सुबह तकरीबन 11 बजे दुकान खोलने के बाद हुई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है। बताया गया कि उक्त दुकान में इसके पूर्व भी 2 बार चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन चोरों का अब तक सुराग नहीं लगा, जिसके चलते चोरों ने एक बार फिर चोरी की इस घटना को अंजाम दिया है। मेरा नाम रेहान खान है, यूसुफ बूट हाउस से हूँ मैं, और यहाँ जो है तो पीछे के छत तोड़ कर देर रात चोर घुसे और यहाँ जो है तो करीब 8 से 10 हजार रुपये का सामान ले गए हैं, और ऐसे तकरीब 3-4 हजार रुपये के बीच में पैसा था, जो कि मुझे मालूम है कि मैंने खुद रखा हुआ है कितना पैसा था। ऐसे सामान के रूप में जूते चप्पल ले गए हैं, तो अभी आंकड़ा नहीं मैं बता सकता हूँ, फिर भी तकरीब अंदाज है कि 8 से 10 हजार रुपये के बीच में सामान गया हुआ है।